हेलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज मैं आप लोग को केजी सुब्रमण्यन के बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत ही फेमस कलाकार हैं और लगभग कला के हर विधाओं में कार्य करने के लिए जाने जाते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। केजी सुब्रमण्यन, इनका पूरा नाम है कल्पत गणपति सुब्रमण्यन। इनका जो पूरा समय है 1924 से लेके 2016 ईस्वी। के जी सुब्रमण्यन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 15 फरवरी 1924 ईस्वी को केरल के कुथुपरम्बा में, केरल के कुथुपरम्बा में इनका जन्म हुआ था। के जी सुब्रमण्यन थे चित्रकार, मूर्तिकार, भित्ति चित्रकार, प्रिंट मेकर, लेखक तथा शिक्षक। ये काफ़ी फेमस है। कौन सा चित्रकार गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं? केजी सुब्रमण्यन वर्ष 1943 ईस्वी में किस कलाकार को भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण 6 महीने जेल की सजा मिली? केजी सुब्रमण्यन को। वर्ष 1944 ईस्वी में के जी सुब्रमण्यन ने कला शिक्षा कहाँ व किसके सानिध्य में ग्रहण की? शांति निकेतन के कला भवन से नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी व रामकिंकर बैस से इन्होंने कला की शिक्षा ली, शांति निकेतन कला भवन। 1947 ईस्वी में जब विनोद बिहारी मुखर्जी शांति निकेतन के हिंदी भवन में अपना प्रसिद्ध म्यूरल बना रहे थे, तो किसने उनका सहयोग कर कुछ आकृतियों को निर्मित किया था? के जी सुब्रमण्यम ने। यहाँ पे विनोद बिहारी मुखर्जी जो है शांति निकेतन में हिंदी भवन में एक म्यूरल बना रहे थे, जिसमें उनकी सहायता कौन किया था? के जी सुब्रमण्यम ने कुछ उसमें फिगर भी बनाए थे। वर्ष 1951 ईस्वी में के जी सुब्रमण्यन किस कला विश्वविद्यालय में व्याख्याता लेक्चरर बनाए गए? बड़ौदा के एमएस यूनिवर्सिटी के ललित कला संकाय में ये लेक्चरर बनाए गए वहाँ पे। वर्ष 1980 ईस्वी में के जी सुब्रमण्यन कहाँ प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किए गए, जिसे उन्होंने 1989 ईस्वी तक सेवानिवृत्त होने तक जारी रखा, शांति निकेतन के कला भवन में। ये के जी सुब्रमण्यन जो हैं ये प्रोफेसर बनाए गए थे शांति निकेतन कला भवन में, और वो रिटायर होने तक वहीं पे शिक्षण का कार्य किए। वर्ष 1974 से 1976 ईस्वी के बीच के जी सुब्रमण्यन अध्यक्ष रहे क्राफ्ट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के। जी सुब्रमण्यन की प्रसिद्ध पेंटिंग है स्वतंत्रता। के जी सुब्रमण्यन ने चित्रण धरातल के रूप में कैनवास के स्थान पर किसका प्रयोग अधिक किया? एक्रेलिक सीट और प्लास्टिक सीटों का इन्होंने उपयोग किया कैनवास के स्थान पर। हैदराबाद के प्रसिद्ध कलाकार लक्ष्मा गौड़ के वर्ष 1969 ईस्वी में नई दिल्ली के गांधी दर्शन म्यूरल में उनके सहयोगी थे के जी सुब्रमण्यन। वर्ष 1962 से 1963 ईस्वी के मध्य लखनऊ स्थित रविंद्रालय के बाहरी हिस्से पर अपना बड़ा व विख्यात म्यूरल किंग ऑफ डार्क चैम्बर, ये म्यूरल का नाम है किंग ऑफ डार्क चैम्बर, जिसका साइज है 81 फीट लंबा, 5 फीट ऊंचा तथा 13,000 टेराकोटा टाइलों की मदद से निर्मित, 13,000 टेराकोटा टाइलें उसमें लगाई गई हैं, किसने बनाया? के जी सुब्रमण्यन ने। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और
लगभग हर एक एग्जाम में ये पूछा जाता है, द किंग ऑफ डार्क चैम्बर म्यूरल कहाँ पर है? तो यहाँ पे आप देखिए, ये लखनऊ के रविंद्रालय भवन के बाहरी हिस्से पे बना है। ये काफ़ी फेमस है और हर बार लगभग एग्जाम में ये पूछा जाता है, आप इसे अच्छे से याद रखें। केजी सुब्रमण्यन पर प्रभाव था मातिस का, हेनरी मातिस का इनके ऊपर प्रभाव था। केजी सुब्रमण्यन जाने जाते हैं टेराकोटा रिलीफ के लिए। खाकी चित्र श्रृंखला किसका है? केजी सुब्रमण्यन का। पुसेरा पल्ली थ्री परियों की कहानी को एक्रेलिक सीट पर रिवर्स पेंटिंग की तकनीक की मदद से किसने चित्रित किया? केजी सुब्रमण्यन ने। किस कलाकार ने बंगाल में प्रचलित बेलुआ कथा पर आधारित चित्र बनाए? केजी सुब्रमण्यन। किस कलाकार ने केजी सुब्रमण्यम को पद्मश्री, पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण सम्मान से कब ये सम्मान कब मिले? पद्मश्री इन्हें 1975 ईस्वी में मिला, पद्म भूषण 2006 ईस्वी में, पद्म विभूषण जो है 2012 ईस्वी में इन्हें मिला था। केजी सुब्रमण्यन की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, इन्होंने कुछ पुस्तकों की भी रचना की है, मूविंग फोकस भारतीय कला पर निबंध 1978 ईस्वी में लिखे थे, द लिविंग ट्रेडिशन 1987 ईस्वी में, क्रिएटिव सर्किट 1992 ईस्वी में, द मैजिक ऑफ मेकिंग एसे ऑन आर्ट एंड कल्चर 2007 ईस्वी में। केजी सुब्रमण्यन अपनी बेटी उमा के साथ कहाँ रहते थे? बड़ौदा में। केजी सुब्रमण्यन की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 29 जून 2016 को बड़ौदा में इनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, इस तरह से हमने केजी सुब्रमण्यन से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में बता दिया है। तो दोस्तों, यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों, इसी प्रकार से मैं विजुअल आर्ट से संबंधित, आर्ट एजुकेशन से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसे एक एक करके वीडियो के माध्यम से आप लोग के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।